विशेष करके इस कैबिनेट की मीटिंग में जो हमारा जनमंच है, जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में अभी हाल में ही संपन्न हुआ, उसका रिव्यू लिया गया और उसमें और क्या कुछ एडिशंस की जाती है, उन अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। और इस बात को लेकर के जिसको कह सकते हैं कि संतुष्टि है कि अधिकतर समस्याओं को अलग अलग विभागों के माध्यम से मौके पर ही हल किया जा रहा है, ये विशेष रूप से है। दूसरा, आज की कैबिनेट में यहाँ फैसला लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में आज बहुत सी पीने के पानी की योजनाएं हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं और निरंतर इसका विस्तारीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर पंप ऑपरेटर्स रहने चाहिए, फील्ड लाइनमैन रहने चाहिए, हेल्पर रहने चाहिए। तो आज लगभग 1578 पैरा कर्मियों को रखने की 394 योजनाओं की एक स्वीकृति माननीय कैबिनेट ने मंत्रिमंडल की बैठक में दी है और मुझे ये लग रहा है कि अब हर घर में नलका हो, हर गांव को पानी मिले तो स्कीमें बन रही हैं, पर उन स्कीम्स को चलाने के लिए जो प्रबंधन की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, उसे अवश्य पूरी होगी, ये मैं तो कहना चाहता हूँ। आज की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश में चाहे वो मंडी हो, चाहे कुल्लू हो, सिरमौर हो, चंबा हो, अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जब दौरा हुआ और वहां की जरूरतों के अनुसार वहां पर कुछ स्कूलों को अपग्रेड करने की बात थी, कहीं पर साइंस कक्षाएं शुरू करने की बात थी, तो वो भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में यहाँ पर उस पर मोहर लगी है। विशेष करके जो हमारे मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत जो हमारी फिशरीज हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो प्रोटेक्टिविटी है, उनकी जो क्वांटिटी है, उसके बारे में भी आज इस माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ है। विकलांगों की व्यक्तियों को पद भरने की भी आज इस सदन में, इस मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। और अलग अलग विभागों में जहां पर जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हमारा, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पुरानी गाड़ियां हैं और मोबिलिटी के लिए, गतिशीलता के लिए गाड़ियों की, कार्स की, जीप्स की जो जरूरत है वो भी इस मंत्रिमंडल की बैठक में यहाँ पर फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करूँ तो जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के भेड़ी में वहां पर वर्षों पहले पीएससी खोली गई थी, परंतु वहां पर पद सृजित नहीं हुए थे, इसलिए वहां पर डॉक्टर्स का और फार्मासिस्ट का भी पद वहां पर आज भेड़ी के उस पीएससी में स्वीकृत किया गया, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हमारा नाहन हो, वहां पर एनेस्थीसिया की एक पोस्ट क्रिएट करने की, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात इसमें कही गई है, जवाहरलाल नेहरू चंबा विश्वविद्यालय में भी विभिन्न पदों को सृजित करने की भी आज यहाँ पर हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है। क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ मेडिटेशन एडीआर सेंटर इन एचपी, ये भी आज यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। जो यहाँ पर उसके आधार पर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको लेकर के माइनर जैसी अमेंडमेंट्स की गई है, यानी सब्सिडी को देने को लेकर के, वो भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। विस्तार में इसकी जानकारी आपको एक जिसको कह सकते हैं कि प्रेस रिलीज के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।